आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर राजपूत समाज के कई छोटे और बड़े नेताओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जब सरकार ने आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की बात मान ली है, तो राजपूत समाज चाहता है कि उनके नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगाए मुकदमे वापस लिए जाए। लेकिन अभी तक कई नेताओं समेत कई युवाओं को रिहा नहीं किया गया है। ऐसे में अब उनकी रिहाई की मांग तेज होने लगी है। बूंदी में राजपूत समाज और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को जेल से रिहा करने, मुकदमा हटाने की मांग को लेकर श्री राजपूत करनी सेना ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करनी सैनिकों का कहना है कि आनंदपाल एनकाउंटर मामले में बेकसूर युवाओं को संगीन मुकदमों में फंसाकर जेल में बंद कर उनका भविष्य खराब किया गया। महिपाल मकराना और अन्य लोगों की रिहाई के लिए राजपूत समाज ने 4 अगस्त को जयपुर में रैली का आह्वान किया था, मगर स्थानीय पुलिस ने राजपूत समाज को रैली की अनुमति नहीं दी। डीसीपी वेस्ट ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए भवानी निकेतन कॉलेज से कलेक्ट्रेट सर्कल तक होने वाली रैली की अनुमति नहीं दी। इसके पीछे पुलिस को जो डर सता रहा है वो ये है कि जिस तरह से 12 जुलाई को साम्राज्य में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था और जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और मामला काफी तनावग्रस्त हो गया था, पुलिस को डर है कि कहीं जयपुर में भी ऐसे ही हालात न हो जाएं। यही कारण है कि पुलिस इन सब से बचने के लिए राजपूत समाज को रैली की अनुमति नहीं दी। लेकिन सवाल है कि अब वो वादे कहाँ हैं, जब सरकार ने राजपूत समाज की मांग मानते हुए कहा था कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाएगा, पुलिस किसी को भी परेशान नहीं करेगी। दरअसल 22 जुलाई की राजपूतों की रैली को देखते हुए ही सरकार ने घुटने टेके थे। लेकिन जब सरकार अपने किए वादे पर ही खरी नहीं उतर रही, तो क्या गारंटी है कि आनंदपाल मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी? स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।